सभी गुजरात के जो मीडिया कर्मी हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं और सबको जय जय गरवी गुजरात का संबोधन करते हुए जय जय राजस्थान और मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देखिए विनोद चौहान साहब ने पुस्तक लिखी, अभी जिक्र कर रहे थे, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हूं, इसलिए मुझे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य याद आ गया। जब अभी प्रधानमंत्री जी जब हमारा मानसून सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी से और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति वेंकैया जी से, दोनों से परमिशन ली कि मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, कुछ उसमें चेंजेस किए हैं तो कुछ नए मंत्री बने, तो उनका लोकसभा में और राज्यसभा में परिचय कराना। तो बिड़ला जी ने भी अनुमति दी कि आप किस समय परिचय करा सकते हैं टाइम तय से, और ऐसे राज्यसभा में भी चेयरमैन साहब ने टाइम तय किया कि आप इस समय परिचय करा सकते हैं। और 1947 से जब से अंतरिम सरकार बनी और 1952 के बाद जब आम चुनाव के बाद हमारी स्थायी सरकार बनी है भारत में, तब से ही जो प्रधानमंत्री होता है वो नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराता है। जब देश आजाद हुआ और चुनाव हुआ उसके बीच में 47 से 52 के बीच का जो कालखंड था उस समय भी संसद थी, कांस्टिट्यूएंट असेंबली, उसको संसद घोषित कर दिया, तो कांस्टिट्यूएंट असेंबली में परिचय कराते थे ये नए मंत्री बने। 52 से लेकर के चाहे जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने परिचय कराए। इस बार इन्होंने जो ये राहुल गांधी जी की टीम आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि हमें तो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देनी है, जैसे इन्होंने जिक्र किया अपमानित करना है, ऐसा भाव रख करके आए और पहली बार संसदीय ये परंपराओं को तोड़ते हुए इन मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। तो प्रधानमंत्री जी खड़े थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, हल्ला हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई मैंने इतने बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, महिला को इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया है, तो क्या आपको ये पसंद नहीं है कि इनका परिचय संसद में हो? तो भी नहीं सुना जी। तो ये जो अभी विनोद जी भाव रख रहे थे कि 2019 में जनता ने मैंडेट दिया, इसलिए प्रधानमंत्री है ना, किसी कृपा से थोड़ी है भाई। लेकिन एक ऐसा परिवार है या ऐसे सोच के कुछ लोग हैं इस देश में कि प्रधानमंत्री का पद तो गांधी नेहरू परिवार के लिए रिजर्व है। गांधी जी का नाम वो यूज करते हैं लेकिन उनके पीछे गांधी लगता है और नेहरू, तो हमारे लिए रिजर्व है ये पद, इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? तो उनको लगता है कि विरोध करो हर तरह से। अब इतनी अच्छी संसदीय परंपरा जिसको हर प्रधानमंत्री ने निभाया, हर स्पीकर ने, चेयरमैन राज्यसभा ने परमिशन दी, सब सदस्य सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों मिलकर के ताली बजाते हैं जब नया मंत्री का परिचय होता है, ये परंपरा, इस परंपरा को भी इन्होंने पहली बार तोड़ा। तो आप देख सकते हो किस तरह का विपक्ष का रवैया और ऐसे कुछ चीजों का उजागर इन्होंने किया। एक तो मुझे ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने संसद की एक बात आपको कही, दूसरी संस्कृति मंत्रालय के नाते जिसका जिक्र डॉक्टर किरीट भाई अभी कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट सोच है आजादी का अमृत महोत्सव, ये देश अपनी आजादी का 75 साल मना रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 से या साबरमती आश्रम से ही आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की और 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए 15 अगस्त 2047 तक इन्होंने अमृत कालखंड इसको घोषित किया कि हम 25 साल में इस देश के लिए अच्छा सोचें,
अच्छा प्रयास करें, अच्छे थॉट लाएं और 2047 तक 2047 तक ये देश निश्चित रूप से विश्व का बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रॉस्पर, बहुत संपन्न देश बन जाए। ये कल्पना करके उन्होंने कहा ये अमृत काल है। अमृत जब निकलता है, जब मंथन होता है। हम 75 साल तक कहां तक चले, कहां हमारी कमियां रह गई, उनको आगे 25 साल में कैसे पूरी करें और देश को तेजी से आगे बढ़ाएं, यही इन्होंने अमृत कालखंड का एक शब्द यूज किया था। तो मैं उसी अमृत कालखंड में यहाँ आया हुआ हूँ और उनका एक और भी हमें संस्कृति मंत्रालय में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि इस देश में कुछ अनसंग हीरोज रह गए। अनसंग हीरोज वो हीरोज हैं जिन्होंने आजादी के लिए भी काम किया, आजादी से पहले समाज रचना में भी काम किया। वो अनसंग हीरो जिन्होंने गाया नहीं, उसी श्रृंखला का एक अनसंग हीरो हमारे वीर मेघमाया, जो एक वीकर सेक्शन से रहे होंगे, कोई ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, जिस तरह का उनका बलिदान, उस तरह की वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का ही सोच है कि ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने समाज रचना में और देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको याद करना चाहिए, इतिहास के पन्नों में वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे, ऐसा प्रयास करना। इसी श्रृंखला में मैं कल पाटन भी जा रहा हूँ, वीर मेघमाया का जो बलिदान स्थल है उसको देखने भी जा रहा हूँ। हमारे संस्कृति मंत्रालय से हमारी एक स्कीम है म्यूजियम ग्रांट फंड, उसमें हम क्या उनका एक म्यूजियम बना सकते हैं। उसमें भी जो संस्थाएं वहाँ काम करती है, किरीट भाई सोलंकी जी से और उन संस्थाओं से चर्चा करके उनसे प्रपोजल लेंगे और संस्कृति मंत्रालय से उसको भी मंजूर कराने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में आज मैं आपसे पूछता आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।